दिल्ली में जानलेवा स्वाइन फ्लू की वापसी, 40 दिनों में 4 लोगों की मौत, 3 नए मरीज का चला पता। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई, आप आज बैठे। राजधानी में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 60 तक पहुंची। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की सुविधा बढ़ाने पर जोर, 22 सरकारी अस्पताल तैयार। गुड़गांव में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक, अब तक 6 मामलों की पुष्टि, 1 की मौत। गाजियाबाद में एक ही परिवार 2 महिलाओं में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर, अब तक 121 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर में सबसे ज्यादा सर 26 की मौत। पंजाब भी स्वाइन फ्लू की चपेट में, 37 दिनों में 7 लोगों की मौत। लुधियाना में सबसे ज्यादा सर। रेल मंत्री ने फिर दिए रेल किराए में बढ़ोतरी के संकेत। रेल बजट पर पीएम और वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद बोले पवन बंसल, डीजल कीमत बढ़ने से बढ़ गया खर्च, ढूंढने होंगे उपाय। पवन बंसल ने बताया नफा नुकसान का गणित, कहा किराया बढ़ने से 6600 करोड़ के फायदे का था अनुमान, डीजल ने 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगाई चपत। भड़काऊ भाषण मामले में फंसे प्रवीण तोगड़िया, नांदेड़ में केस दर्ज होने के बाद नट की गिरफ्तारी की तलवार, सीडी देखकर पुलिस ने की कार्रवाई। प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज होने पर शुरू हुआ सियासी बवाल, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग। राजनाथ सिंह ने कहा वीएचपी का है मामला। तोगड़िया की गिरफ्तारी को लेकर वीएचपी की सीधी चेतावनी, प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने कहा कार्रवाई हुई तो भुगतते होंगे गंभीर नतीजे। राम मंदिर पर धर्म संसद में नहीं हो सका कोई बड़ा फैसला, आंदोलन की हुई बात लेकिन तय नहीं हुआ मजबूत। इलाहाबाद की धर्म संसद में मोदी का नाम गूंजा पर नहीं लग पाई खुली मुहर, संतों ने कहा बीजेपी करे पीएम उम्मीदवार का ऐलान, भागवत ने किया इशारों में नाम। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी बोले देश को गुमराह कर रही है बीजेपी, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर हटाया नकाब, जेडीयू ने भी बीजेपी को दी धमकी। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को फटकार, पूछा अडवाणी के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में क्यों हुई देरी। गुजरात दंगों पर मोदी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, एसआईटी को दिया आदेश, जाकिया जाफरी को सौंपे अपनी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अमेठी में किया रोड शो, अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में नहीं हो रहा कुछ विकास, आज कार्यकर्ताओं से मिलेंगे राहुल। यूपी में अखिलेश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उठा विवाद, गोंडा के सीएमओ को अगवा करने वाले पंडित सिंह बने मंत्री। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मायावती के भाई आनंद को झटका, 750 करोड़ की संपत्ति पर दाखिल याचिका की स्वीकार, सीबीआई और ईडी से 5 हफ्ते में मांगा जवाब। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज से संभालेंगी बीजेपी राज्य इकाई की कमान, जयपुर दफ्तर से शुरू करेंगी कामकाज, दिल्ली से जयपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आज पेश करेंगे अपना पहला बजट, विपक्ष और येदियुरप्पा के निशाने पर है शेट्टार। दिल्ली के बुराड़ी में गैंगरेप, काली फिल्म लगी गाड़ी में वारदात, पुलिस की चेकिंग में पकड़ा गया मामला, पुलिस ने 4 युवकों को दबोचा, पीड़ित ने सुनाई आपबीती। दिल्ली के शकरपुर में लड़की को बंधक बनाकर 12 दिन तक बलात्कार का आरोप, नशे की दवा पिलाकर करते रहे दरिंदगी। लाजपत नगर में दरिंदगी का शिकार हुई लड़की को देखने एम्स में पहुंची लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, डॉक्टरों से ली सेहत की जानकारी। दिल्ली में अवैध हथियारों की खरीद फरोख में 6 बदमाश गिरफ्तार, सीआरपीएफ का पूर्व जवान निकला गैंग का सरगना, हथियार बरामद। गाजियाबाद के एलआर कॉलेज में सुविधाओं के लिए छात्रों का जबरदस्त हंगामा, कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, 3 घंटे तक स्टाफ को बनाए रखा बंधक।
उत्तर भारत में हुई बारिश से बढ़ा यमुना का जलस्तर। राजधानी में यमुना का पानी 204.25 मीटर तक पहुंचा। अचानक पानी बढ़ने से बहा पंटून पुल। गैंगरेप पर दिल्ली के लोगों ने शुरू किया जागरूकता अभियान। बस स्टैंड पर जुटकर गाए गीत। दिल्ली में फुटपाथ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले के बेटे ने दिखाया कमाल। सियोल में हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में जीता गोल्ड और सिल्वर मेडल। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है ज्योतिष मेला। वास्तु रत्न और अंक शास्त्र के दिग्गज ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली के कमाने और चोरे में सूफी फेस्टिवल का आयोजन। भारतीय और विदेशी बैंड ने पेश किया अपना कार्यक्रम। उज्जैन के मुख्य वन संरक्षक बीके सिंह के लॉकर ने उगला सोना। काली कमाई का आंकड़ा पहुंचा 75 करोड़ के पार। भोपाल के सेंट्रल बैंक से भी मिला सोना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा लोकायुक्त को मजबूत करने का दिख रहा है असर। सरकार चाहती है भ्रष्टाचार हो खत्म। पटना में जेडीयू विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी की गृह मंत्री ने खोला मोर्चा। परवीन अमानुल्लाह ने लगाए जमीन कब्जाने के आरोप। पंचकुला में बीज विकास निगम की पुलिस के पहरे में मीटिंग। निदेशक अशोक खेमका ने जताई थी हमले की आशंका। बहरामपुर में रेल राज्य मंत्री अधीर चौधरी की अगुवाई में उपद्रव। सर्किट हाउस में भीड़ ने की तोड़फोड़। हिट एंड रन केस में सलमान के खिलाफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कॉपी आई सामने। मजिस्ट्रेट ने कहा सलमान ने अपने बॉडीगार्ड की बात नहीं मानी। बॉडीगार्ड ने सलमान को गाड़ी तेज न चलाने की दी थी नसीहत। मजिस्ट्रेट ने कहा सलमान ये दलील गलत है कि वो तेज ड्राइविंग के अंजाम से बेखबर। दबंग 2 के आइटम नंबर फेविकॉल पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरबाज खान को भेजा नोटिस। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। डीजल की थोक खरीद पर प्रति लीटर 12 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ बेस्ट का ऐलान। घाटा कम करने के लिए पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाएंगे से। बेस्ट चेयरमैन के मुताबिक 1 रुपए लीटर के लिए उसे खर्च करने पड़ रहे हैं 64 रुपए। नए कदम से रोजाना 2.5 लाख रुपए की बचत। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का 8 खिलाड़ियों का ग्रुप गुरुवार देर रात पहुंचा चेन्नई। बाकी खिलाड़ियों का शनिवार और सोमवार को 2 ग्रुप में आने का कार्यक्रम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। 22 फरवरी से मुकाबले की शुरुआत चेन्नई में। ईरानी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी 526 रन पर सिमटी। रैना ने बनाए 134 रन। तीसरे दिन सचिन तेंदुलकर के खेल पर होगी सिलेक्टर्स की निगाहें। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले सिलेक्शन मैच के तौर पर है ईरानी ट्रॉफी। दोनों टीमों से हैं दावेदार। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर हासिल किया 7वां स्थान। कटक में भारत को 6 विकेट से मिली जीत। परमाणु हथियारों के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बरकरार। आयतुल्ला अली खुमैनी ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से किया इंकार। ट्यूनीशिया में विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ पुलिस की झड़प। वामपंथी नेता की हत्या के खिलाफ गृहमंत्री का घेराव। जॉबिया की राजधानी लुसाका की तरफ जा रही बस ट्रक और कार से टकराए। हादसे में 53 लोगों की। बैंकॉक लौटे तस्करी के लिए जा रहे 2000 से ज्यादा सांप। इनमें से 200 थे कोबरा। फलों के डिब्बे में छुपा कर ले जाने की कोशिश। पूर्वी चीन में शाहरुख के ओशन वर्ल्ड में है हैरान करने वाला एलिफेंट सील। गंगनम गाने पर दिल खोलकर लगाता है धमके।